सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की तरफ से खेलने वाले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि वो कभी इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलेंगे, भले ही उन्हें 8 फ्रेंचाइजी में से किसी का भी आमंत्रण मिले। अफरीदी के इस बयान का दावा पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल के संपादक ने किया है। उस संपादक ने अपने अकाउंट पर अफरीदी का बयान देते हुए लिखा है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग में अपने समय का भरपूर आनंद उठा रहे हैं और ये लीग भविष्य में आईपीएल को पीछे छोड़ देगी। अफरीदी के हवाले से कहा गया, भले ही वो मुझे आमंत्रित करे, मैं आईपीएल खेलने नहीं जाऊंगा। मेरा पाकिस्तान सुपर लीग सबसे बड़ा है और एक ऐसा समय भी आएगा जब आईपीएल को पीछे छोड़ देगा। मैं पाकिस्तान सुपर लीग का आनंद उठा रहा हूं और मुझे आईपीएल की कोई जरूरत नहीं। मेरी इसमें कभी रुचि नहीं है और ना ही कभी थी। हाल ही में शाहिद अफरीदी ने एक ट्वीट करके माहौल गर्म कर दिया था। अफरीदी ने ट्वीट किया, भारत अधिकृत कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर की स्थिति बेचैन करने वाली और चिंताजनक है। यहां आत्मनिर्णय और आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए दमनकारी शासन द्वारा निर्दोषों को मार दिया जाता है। हैरान हूं कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहां है, वो इस खूनी संघर्ष को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।